अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, और इसमें आप सुनेंगे माजी की खूबसूरत गुलकाराएँ, खूबसूरत आवाज़ें, और उनके दिलकश नगमात को सजाएंगे अपनी इस महफिल को। तो हमारे साथ साथ रहिएगा और हमारी हौसला अफजाई भी करते रहिएगा। तो आज जिस गुलकारा को हमने शामिल किया है, तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। तो क़याम पाकिस्तान के बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी गुलकाराओं ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। इनमें कुछ गुलकाराओं ने बहुत नाम कमाया और कुछ गुलकाराएं ऐसी भी हैं जिनके नाम से हमारी व्यूअर्स वाकिफ नहीं, मगर हमारे सीनियर व्यूअर्स यकीनन इस आवाज़ को सुना भी है, उसको जानते भी है, पहचानते भी हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम के लिए जिस आवाज़ को मुंतखब किया है वो है माजी की भूली बिसरी सुरीली गुलकारा पुकराश पप्पो। दरिया काले जो जमन में आए, आप समझ लो राजा मुझसे कहा न जाए। देखो दरिया काले जो जमन में आए, आप समझ लो राजा मुझसे कहा न जाए। गुलकारा पुकराश पप्पो 1929 में सरगोधा पाकिस्तान में पैदा हुई। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से गीत और गज़लें गाकर अपने गायकी के सफ़र का आगाज़ शुरू किया। पुकराश पप्पू ने क़याम पाकिस्तान से कबल लाहौर में बनने वाली चंद एक फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की। इनमें मशहूर फिल्म लैला मजनू, जिसमें उन्होंने भट्टी के साथ बड़े खूबसूरत ड्यूट सॉन्ग गाए। क़याम पाकिस्तान के बाद पुकराश पप्पू की पाकिस्तान में अवलीन फिल्म अमानत 1950, और इसमें इनका बड़ा खूबसूरत गीत था दुख दर्द ने मारा दुनिया में। इस फिल्म इस सॉन्ग के शायर कतील शिफाई और मौसीकार नज़ीर जाफरी थे। अमानत के बाद पुकराश पप्पू ने बहुत सी फिल्मों में बहुत ही खूबसूरत नगमात गाए। इन फिल्मों की थोड़ी मुख्तसर आपको तफसील ज़रूर हम बताएंगे, लेकिन एक सॉन्ग सुनते हैं। आइए मिलकर चलते हैं सॉन्ग की तरफ। तो जी व्यूअर्स, कैसा आपको ये सॉन्ग लगा? यकीनन पसंद आया होगा। तो बात को हम आगे बढ़ाते हुए, तो 1950 में ही पुकराश पप्पू की फिल्म बेली मंदरे आम पर आई, और इस फिल्म में बड़े खूबसूरत उन्होंने गीत गाए। पग पग मैंने नैन बिछाए, सुनो सुनो इस धड़कन में बेदर्द ज़माना, कोई ना सुने टूटो दिल का अफसाना। आई मिलन की रात बनी है बात, नी में आपे लाइयाँ। तो फिल्म बेली के मौसीकार रशीद अत्रे साहब
और इनके शायर जो थे कयूम नज़र, मसूद परवेज़, अहमद राई और बाबा शाह आलम पोश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी फिल्म बेकरार 1950 में, और इसमें भी एक बड़ा खूबसूरत गीत पुकराज पप्पू का था जो हमें भी बहुत पसंद है और हम अक्सर हम गुनगुनाते भी रहते हैं। बेदर्द ज़माना, खूबसूरत गीत था। तुफैल होशियारपुरी इसके शायर थे, गुलाम हैदर मास्टर जो है इसके मौसीकार थे, और ये फिल्म बेकरार भी 1950 और 1950 में ही जी फिल्म जुदाई, और इसके अलावा 1950 में हमारी बस्ती, 1950 में जी दो किनारे, उनके गाए हुए बड़े ही खूबसूरत गीत थे। तो मज़ीद सफ़र को बढ़ाएंगे तो एक गाना और हम चाहते हैं कि पुकराज पप्पू का आपको सुनवाएं, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए तो मिलकर सुनते हैं। तो व्यूअर्स यकीनन ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। तो सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, 1951 में पुकराज पप्पू की फिल्म आई अकेली, और इसमें भी इनके गाए हुए बड़े खूबसूरत गीत थे। 1951 में हम वतन, शोला, 1953 में आवाज़, 1953 में बरखा, 1953 में गुलाम, 1953 में महबूबा, 1954 में जी सस्सी, 1955 में सोनी, 1955 में शरारे, 1955 में तूफ़ान। और तूफ़ान के भी सर बड़े खूबसूरत गीत थे इनके, और यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त आपने सुने होंगे। 1955 में इनकी फिल्म महफिल, 1956 में जी बागी, 1956 में किस्मत, 1957 में अंजाम, 1962 में जी मेरा क्या कसूर, 1963 में मैंने क्या जुर्म किया, 1964 में गद्दार, और जी 1965 में इनकी आखिरी फिल्म खोटा पैसा, सबके भैया शाम को घर आ जाते हैं, कतील शिपाही रहमान वर्मा। तो जी इस तरह 75 सॉन्ग उर्दू इन्होंने गाए। इसके अलावा जी इन्होंने पंजाबी फिल्में भी जी, इनकी तकरीबन 6-7 पंजाबी फिल्में भी है जी, उसका भी जिक्र होना चाहिए। लारे 1950, चनवे 1951, बिल्लो 1951, नत 1952, बुलबुल 1955 और छू मंतर 1958, जिसमें मैडम नूर जहाँ के साथ बड़ा ही क्लासिकल रंग में इन्होंने बड़ा खूबसूरत कोरस गीत था, अखियाँ सोने ना दें दी, बहुत ही खूबसूरत मुझे याद आता है, बड़ा रेडियो पर चलता था। इस तरह सामिन पुकराज पप्पू ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 100 के करीब नगमात गाए हैं, और आखिरी फिल्म की खोटे पैसा 1965 में रिलीज़ हुई। माजी की ये खूबसूरत आवाज़ हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मगर इनकी सुरीली और खूबसूरत गायकी के हवाले से गाए हुए नगमात को हमेशा याद रखा जाएगा। आइए मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह अता फरमाएँ, और हमें बताइएगा कि हमारा ये मुख्तसर तारुफ़ जो पुकराज पप्पू के हवाले से कैसा आपको लगा। अगर हमारी हौसला अफजाई करते रहें तो इंशाल्लाह फिर ऐसी ही किसी भूली बिसरी गुलूकारा को हम लेकर आएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई एजाज सनम। अल्लाह हाफिज़।